She'd be a 10 if it weren't for the accent. If you're wondering what's the attraction, babe, spin round and show them the mad thing. इंस्टाग्राम रील पर इस टाइप की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। यह है इसने का ट्रांजेक्शन वीडियो। तो अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं बनाई तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप ये स्नेकर वाली ट्रांजेक्शन वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोन से एकदम सिंपल स्टेप में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमको 3 क्लिप को रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया है। सबसे पहली क्लिप में हम नॉर्मल कपड़ों में अपने शूज को हाथ में लेकर खड़े होकर तो उसको आगे की तरफ फेंकेंगे, आगे की तरफ फेंकेंगे, कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। एंड इस वीडियो बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन को ट्राइपॉड या किसी भी ऐसी चीज़ पर स्टेबल करना है जहाँ से आपका फ़ोन हिले ना बिल्कुल भी। एंड सेकंड क्लिप में आपको आपके कपड़े चेंज करके आपको कुछ इस तरह से जंप करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। एंड थर्ड क्लिप में आपको अपने शूज की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है ग्रीन स्क्रीन पर। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप किसी भी कलर के कपड़े या किसी भी कलर के बैकग्राउंड में दीवार से आगे किसी धागे से लटका कर उसको इस तरह से रिकॉर्ड कर लेना आप अपनी वीडियो को। एंड इतना करने के बाद चलो कैपकट में चलते हैं। तो सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस अगर आप इंडिया से हो तो आपको पता ही होगा कि कैपकट इंडिया में बैन है, तो इसको चलाने के लिए आपको वीपीएन को यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट करें, वीपीएन को कनेक्ट करना ना भूलें। एंड इतना करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको अपनी वो क्लिप ले लेनी है जो आपने रिकॉर्ड करी है। आपको पहले अपनी नॉर्मल कपड़ों में जो क्लिप ली थी वो लेनी है। एंड जो आपने कपड़े चेंज करके क्लिप ली थी वो लेनी है। एंड इसको ऐड कर लेंगे। एंड वीडियो ऐड करने के बाद अपनी वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका म्यूजिक को म्यूट कर देंगे। एंड इस वीडियो को ध्यान से देखना, वहाँ पर वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप जो ट्रिम करना चाहते हैं वहाँ पर जाएं और इस लेयर पर क्लिक करके इसको स्प्लिट करके इसको डिलीट कर दें। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड इतना करने के बाद इसको वीडियो को आगे आएंगे। एंड यहाँ से जहाँ से यहाँ पर शूज को आगे की तरफ करा है तो यहाँ पर एक कट लगाएंगे। एंड फिर से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ से आप इस शूज को आप नीचे गिरा दें या अपने फ्रेंड की मदद से इसको अपने पास से हटा दें। इतना करने के बाद अपने हाथ को यहाँ से आगे की तरफ कुछ इस तरह से मोमेंट करें। एंड इतना करने के बाद इसको यहाँ से स्प्लिट कर दें। एंड इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जहाँ से इसको सूज को हटाया गया है तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें। एंड इसको प्ले करके देख लेते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा तो हम इसको मैच करेंगे पहले। एंड डन, ये मैच हो चुका है लगभग। तो इतना करने के बाद आगे आएंगे थोड़ा यहाँ पर जहाँ से मैंने जंप किया है तो यहाँ पर भी एक कट लगाना है तो थोड़ा इसको प्ले करके देखते हैं। एंड यहाँ से जहाँ से पैर उठा गया मैंने जंप किया है इसको यहाँ पर भी स्प्लिट कर देंगे। एंड ये पार्ट हमारा कोई काम का नहीं बचा एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर देंगे। एंड वो फर्स्ट पार्ट तो कम्प्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। पहले फर्स्ट वाले पार्ट में देख लेते हैं। अगले वाले पार्ट में आ गए हैं तो यहाँ से इसको देख लेते हैं आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए। मैंने यहाँ पर दो बार इस तरह से कराया तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका इसको यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे पहले। एंड इसका जो पहला एक्स्ट्रा पार्ट है वो कोई काम का नहीं है सो इसको डिलीट कर देंगे। एंड इसको देख लेते हैं यहाँ पर एडजस्ट करके। इसको एडजस्ट कर लेंगे ध्यान से। तो ये एडजस्ट हो चुका है तो बैक आते हैं। एंड एक म्यूजिक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बेसिकली वो म्यूजिक नहीं है, एक वीडियो का लिंक है तो उस वीडियो में ही म्यूजिक है।
तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। आपको दिखा देता हूँ कौन सा है वो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो इसका म्यूज़िक हम निकाल लेंगे, म्यूज़िक निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे एंड इसकी ऑडियो आ जाएगी निकल के। तो इसकी लेयर को डिलीट करने के लिए ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड इस लेयर को डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पर यहाँ जो सेकंड क्लिप है जहाँ पर इस तरह की मोमेंट की थी यहाँ पर आ जाएंगे। एंड जो हमारी थर्ड वाली क्लिप थी जो ग्रीन स्क्रीन पर हमने सूज की वीडियो शूट करी थी उसके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेंगे एंड इसकी ग्रीन स्क्रीन को हटा देंगे। ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए नीचे ऑप्शन है कटआउट, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसमें तीन ऑप्शन आ गए हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रोमा की पर। तो इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर बैकग्राउंड पर, इसको यहाँ पर हटा देंगे एंड इसका बैकग्राउंड हट चुका है। इस क्लिप भी हमको म्यूजिक को ऑफ कर देना है ना, तो इसका बैकग्राउंड दिखाएगा इसमें। अब इसको ध्यान से यहाँ पर एडजस्ट करना है हमको, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पर ले जाएंगे पहले जहाँ पर हमारा हाथ है, इसको यहाँ पर ले जाएंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है वाला क्रोमा की, इस पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ी से आगे जाएंगे जहाँ पर आगे इसको यहाँ पर इसको जूम कर देंगे थोड़ा, तो इसको प्ले करके देखते हैं। ऐसा लगना चाहिए जैसे अपने अपने हाथ से शूज को फेंका है एंड डन। इतना करने के बाद और फिर से सेकेंड यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने पैर को उठाया था इस पर फिर से क्रोमा की अप्लाई करेंगे एंड इसको यहाँ पर ले जाएंगे थोड़ा छोटा करके। तो इसको फिर से प्ले करके देखते हैं एंड डन। तो अब यहाँ सेकंड वाली क्लिप पर जाएंगे एंड इसको जो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड आगे का पार्ट भी डिलीट कर देंगे। फिर से इसको प्ले करके देखते हैं एंड डन, ये मैच हो चुका है। तो इसमें आप ये इफेक्ट उठ दे देंगे, वीडियो तो बन चुकी है लेकिन अभी इसमें फील नहीं आ रहा रियलिस्टिक वाला, तो इस पर इफेक्ट देंगे। इफेक्ट के लिए यहाँ पर इस दोनों के बीच में प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इफेक्ट लोकेटिंग होंगे। तो यहाँ पर एक इफेक्ट है, मैं बता देता हूँ आपको कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है। यहाँ पर यहाँ से इफेक्ट में थोड़ा आगे आएंगे एंड यहाँ पर एक इफेक्ट है सेक, इस पर क्लिक। आप इसकी जगह कोई दूसरा भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं ये वाला अपने इस वीडियो में ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा नहीं लगे, कोई दूसरा अच्छा इफेक्ट लगे तो आप उसको वहाँ पर उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड इसकी जो लेंथ रहेगी हम 0.2 रखेंगे एंड इसको प्ले करके देखते हैं एंड डन। तो अभी ये यहाँ पर हो चुका, तो अभी हम और भी इसमें इफेक्ट देंगे। तो इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट था इस क्लिप में, तो इसको मैं यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ एंड स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर भी इफेक्ट देंगे, यहाँ पर मैं जो इफेक्ट देता हूँ उसका नाम है ट्रेन। तो इस इफेक्ट को देख लेते हैं कहाँ पर है, एंड वो इफेक्ट ये वाला है ट्रेन जो इफेक्ट है। आपको इसको 0.5 रखेंगे, 0.5 एंड इसको प्ले करके देखते हैं एंड अब यहाँ पर एक इफेक्ट और देंगे एंड इसमें एक इफेक्ट को और दे देते हैं जो आई फिल्म वाला इफेक्ट है उसको देंगे। तो इफेक्ट ये वाला इफेक्ट देने के लिए इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर थोड़ा ऊपर आगे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सुपर पावर्स, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन है लाइटनिंग आइस। यहाँ पर दो इफेक्ट हैं आइस वाले, तो एक फिल्म आइस एंड एक लाइटनिंग आइस। तो लाइटनिंग आइस वाला बेस्ट लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो आपको जितना आप ये इफेक्ट रखना है आप उतना रख सकते हैं, दिखाई दूँ किस तरह से काम करता है इफेक्ट। तो इस इफेक्ट एक्स्ट्रा पार्ट को इसको डिलीट कर देंगे एंड एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेंगे
तो गाइस वीडियो रेडी हो चुकी है, तो वीडियो को करते हैं एक्सपोर्ट। एंड गाइस इसको आप, इस वीडियो को आप और भी अच्छे से बना सकते हैं। मैंने जल्दी में आपको दिखाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाया है, तो अगर आप इसमें थोड़ा टाइम देंगे तो आप इससे भी बेटर वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।